दोनों ही जो हेलमेट है भाई, क्या सुपर लाइट हेलमेट है। मतलब तो भाई ये देख सकते हो दोनों की लुक कैसी दिख जाती है आपको, ठीक है। ऐसी सी कुछ आपको दोनों की लुक दिख जाती है। मैं कहूंगा भाई लुक वाइज तो दोनों हेलमेट जो है मतलब कांटे की टक्कर देते हैं एक दूसरे से। मतलब उसके कंपेयर में यहाँ वाला वेंट जो है थोड़ा सा कमजोर सा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो कितना बढ़िया यहाँ पर पूरा सेगमेंट बना है एयर फ्लो होने के लिए, तो यहाँ का वेंट इसका काफी अच्छा है। जो पैडिंग है ये भी आपको काफी बढ़िया देखने के लिए मिल जाती है। चिन कर्टन यहाँ पर नहीं दिखता है, तो अगर आप ठंड वगैरह में चलाओगे ठीक है तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एयर पास होगा। फिट एंड फिनिश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा बेटर देखने के लिए मिल जाता है। ऑफकोर्स अरे दोस्तों कैसे हैं आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई वेगा का जो बोल्ट है उसको कंपेयर करो स्टड के राइडर हेलमेट से। तो भाई दोनों का कंपैरिजन लेकर आ गए, ये है हमारा वेगा का बोल्ट और ये है हमारा स्टड का राइडर। दोनों ही जो हेलमेट है भाई क्या सुपर लाइट हेलमेट है। मतलब हाथ में पकड़ के फील ही नहीं हो रहा है कि भाई हेलमेट है भी नहीं है, ठीक है। और दोस्तों इन दोनों का कंपैरिजन बनता है कि भाई क्योंकि ना इन दोनों के जो फीचर हैं ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। सर्टिफिकेशन वगैरह में आपको डिफरेंस दिख जाता है, ड्यूरेबिलिटी में आपको डिफरेंस दिख जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर फीचर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको सेम दिख जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उससे मिलती है मोटिवेशन ऐसी और वीडियोज बनाने के लिए। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। अब दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन दोनों की लुक से। तो भाई ये देख सकते हो दोनों की लुक कैसी दिख जाती है आपको, ठीक है। ऐसी सी कुछ आपको दोनों की लुक दिख जाती है, ऐसे फ्रंट से दिख जाता है, ऐसे करके दिख जाता है भाई। मैं कहूँगा भाई लुक वाइज तो दोनों हेलमेट जो हैं मतलब कांटे की टक्कर देते हैं एक दूसरे से, क्योंकि दोनों हैं बहुत बढ़िया लगते हैं। हाँ इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्पैक्ट देखने के लिए मिल जाता है, छोटा साइज दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, वेगा बोर्ड बहुत कॉम्पैक्ट है और काफ़ी मजबूत हेलमेट है। लेकिन इसके मुकाबले में ये थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो हेलमेट के साइजेस हैं दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। फ्रंट से अगर हम देखें तो स्ट्रट की ब्रांडिंग दिख जाती है, यहाँ पर आपको दिख जाती है वेगा की ब्रांडिंग। पीछे अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको वेगा की ब्रांडिंग, यहाँ पे स्टड की ब्रांडिंग। अब जो मेन डिफरेंस आया था इन दोनों में, दोनों ही हेलमेट जो है दोस्तों थर्मोप्लास्टिक के बने हुए हैं, लेकिन दोस्तों वेगा के साथ ना यहाँ पर आपको जो है थोड़ी सी सेफ्टी ज़्यादा मिल जाती है। और वेगा जो है दोस्तों बिल्ड क्वालिटी में भी इससे थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि भाई इसके साथ आपको ISI प्लस DOT सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका जो लाइनर है अंदर का वो भी काफ़ी अच्छा है, जो पैडिंग है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल जाती है। तो इन केस ऑफ क्रैश दोस्तों अगर आप इसको पहन कर गिरते हो तो यार जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसके जो पैडिंग है वो काफ़ी कम है। जो इसके ऊपर का जो शेल है, आउटर शेल जो होता है वो भी वैसा है, और जो इनर शेल होता है दोस्तों वो भी काफ़ी सही है, तो इम्पैक्ट थोड़ा कम आएगा, राइट। तो सेफ्टी वाइज ये है, लेकिन यहाँ पर आपको 500 से 700 रुपये जो है ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ये जो हेलमेट आपको 1700 से 2000 रुपये में देखने के लिए मिलता है, ये जो आपको 1200 का दिख जाता है, ठीक है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। तो सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर जो है सिर्फ आपको ISI सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है। तो बात करते हैं वेंट्स की, तो दोनों के साथ ही आपको एडजस्टेबल वेंट दिख जाते हैं। इसके जो वेंट की क्वालिटी है, जो स्मूथनेस है, वो आपको थोड़ी सी बेटर दिख जाती है। यहाँ पर आपको ऊपर भी जो है यहाँ पर थोड़ी सी आपको कहोगे क्वालिटी में, मतलब उसके कंपेयर में यहाँ वाला वेंट जो है थोड़ा सा कमज़ोर सा आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी वेंट जोनों में एडजस्टेबल दिख जाते हैं, और ऐसा सा कुछ जो है आपको ये हेलमेट देखने के लिए मिल जाता है। क्विक रिलीज जो है आपको मैकेनिज्म मिल जाता है, और उसी के साथ साथ दोस्तों जो पैडिंग है ये भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाती है। रिमूवेबल पैडिंग है, काफ़ी अच्छी पैडिंग है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको चिन कर्टन देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ से जो विंड नॉइज़ होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, उसमें आपको वैसा देखने के लिए नहीं मिलता है। और ऐसा सा कुछ हेलमेट है, ठीक है, ऐसा सा बढ़िया सा देखने को मिल जाता है। पीछे आपको वेगा ISI DOT वगैरह के आपको लोगो दिख जाता है, ठीक है, तो ऐसा सा कुछ देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो भाई वेंट्स वगैरह तो इसके भी बहुत बढ़िया, और ऊपर का जैसे मैंने दिखाया आपको, ये देखो कितना बढ़िया यहाँ पर पूरा सेगमेंट बना है एयर फ्लो होने के लिए, तो यहाँ का वेंट इसका काफ़ी अच्छा है। ऐसा सा आपको स्पॉइलर दिख जाता है, इसके अंदर जो है आपको चिन कर्टन यहाँ पर नहीं दिखता है, तो अगर आप ठंड वगैरह में चलाओगे ठीक है तो यहाँ से आपको थोड़ा सा
एयर पास होगा, और पैडिंग जो है इसकी इसकी भी नॉर्मल पैडिंग है जो कि आपको बेसिक हेलमेट्स वगैरह में देखने के लिए मिलती है, कोई अच्छी नहीं है उसकी पैडिंग, काफ़ी अच्छी है। बट यस, यहाँ पर आपको प्राइस का भी जो है डिफरेंस दिख जाता है। मैकेनिज्म लॉकिंग का जो है दोनों में ही क्विक रिलीज दिख जाता है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ये कुछ ऐसा हेलमेट देखने के लिए आपको मिल जाता है। हेलमेट जो है ये भी काफ़ी बढ़िया दिख जाता है। सो दोस्तों, ऐसे से कुछ हेलमेट हैं। ठीक है दोस्तों, और फिट एंड फिनिश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा बेटर देखने के लिए मिल जाता है। ऑफकोर्स पे भी ज़्यादा कर रहे हो, सेफ्टी भी जो है थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। इंटरकॉम के लिए पॉकेट दोनों ही हेलमेट्स में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी आपको 1700 से 2000 की पड़ेगी, इसकी जो कॉस्ट है आपको 1000 रुपये से 1200 की पड़ेगी। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर खरीद सकते हो। और ऐसे से कुछ हेलमेट है दोस्तों। इन कंक्लूजन अगर हम बात करें, ये ISI हेलमेट है, ये ISI प्लस GOT सर्टिफाइड हेलमेट है। ठीक है, ये जो हेलमेट है इसके साथ आपको मिलती है काफ़ी लाइट पैडिंग, 1000 ग्राम का ये हेलमेट है। ये जो है आपको अच्छी पैडिंग दिख जाती है, प्रीमियम पैडिंग दिख जाती है, और ये जो है 1500 ग्राम का हेलमेट है। बाकी वाइजर होगा कि क्वालिटी में वेगा का जो है ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ऑफकोर्स ज़्यादा पे भी कर रहे हो आप। ठीक है, बाकी दोनों के साथ ही एडजस्टेबल वेंट दिख जाते हैं, क्विक रिलीज मैकेनिज्म दिखता है, डिटैचेबल पैडिंग दिख जाती है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।